हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगी। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है जी कि आज सैलून में थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा कि लोगों की रूटीन जो होती है वो घर से किचन में होती है, सफाई से होती है, और मेरी जो रूटीन है वो मेरे सैलून में होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ यही व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊँ। मेरा मकसद आप लोगों को काम सिखाना नहीं है, मैं सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अपना डेली का कुछ ना कुछ शूट कर रही हूँ, तो कोशिश है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़ाहिर सी बात है जी, जो आप डेली करते हैं आप लोगों ने ब्लॉगिंग में वही दिखाना होता है, तो मैं भी बस वही दिखा रही हूँ। और कोई मेरी बहन ये ना कहे कि आप शायद इस तरह से मेकअप कर रही हैं, इस तरह से कर रही हैं। मैं अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ अपनी व्लॉगिंग शेयर कर लूं। तो आज मेरी बड़ी प्यारी सी ब्राइडल आई है जी, तो मैं उसका मेकअप कर रही थी। मेहंदी है आज इनकी, तो आज मैं इनको मेहंदी के लिए रेडी कर रही थी। तो मैं अपनी बहनों से भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको कोई हुनर आता है तो आप पैसे कमाना चाहती हैं, तो आप अपनी चार दीवारी के अंदर रह के भी कोई काम सीख के, कोई सिलाई का काम सीख के, कोई ब्यूटिशन का काम सीख के, या एज आ व्लॉगिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं बहुत आसानी से जी। आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, मुआशरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है जी लेडीज़ को लेके। औरतों को ज़्यादातर घरों से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, चार दीवारी में रह के जो कर सकती हैं तो वो कर सकती हैं। यहाँ पे मेरी क्लाइंट ब्राइडल को मेहंदी का भी टाइम था, वो मेहंदी नहीं लगवा के आई थी, तो उसको मेहंदी भी लगा रहे थे, साथ मेरी लड़कियाँ हेयर स्टाइल बना रही थी जो बाकी के क्लाइंट थे, और मैं यहाँ पर एक और पार्टी मेकअप कर रही थी जितनी देर ब्राइडल को मेहंदी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरी जो लड़की ने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई ब्राइडल को माशाल्लाह से, और यहाँ पे मैंने सोचा जितनी देर ब्राइडल को मेहंदी लग रही है मैं क्यों ना पार्टी मेकअप कर लूँ। तो ये छोटी सी एज की लड़की थी जिसको हमने बहुत सॉफ्ट सी लुक देनी थी, तो मैंने इसको इसके ड्रेस के साथ ये लुक दी। तो अभी इसने ड्रेस पहना नहीं है, अभी मैं इसको मेकअप कर रही थी, ड्रेस मैंने इसको बोला कि हेयर स्टाइल के दौरान पहन लेना। तो मैंने जितना काम किया आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सैलून में जो है काफ़ी बिज़ी होने के बाद मुझे डेली व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो ग्रो नहीं करता। ये देखें इतनी जल्दी मेरी लड़की ने मेहंदी कंप्लीट भी कर ली, उतनी देर में मैंने एक पार्टी मेकअप किया और उसने माशाल्लाह से दोनों हाथों पर मेहंदी लगा ली। ब्राइडल मेरी को कोई मेहंदी वाली मिली नहीं जिसकी वजह से वो मेहंदी नहीं लगवा के आई थी, तो मेरे पास जो लड़की है वो मेहंदी बहुत खूबसूरत लगाती है, तो फिर मैंने इससे बोला कि तुम इससे मेहंदी लगवा लो पहले। तो हमने मेहंदी के साथ साथ मेकअप के साथ साथ इसको मेहंदी भी लगा दी। यहाँ पे फिर मैंने इसको मेहंदी लगने के बाद काम जो है स्टार्ट कर दिया। अब सीधे हाथों पे मेहंदी लग रही थी तो, लेकिन हम लेट भी हो रहे थे, मैं शादी हॉल का जो टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ इसको मेहंदी लग रही थी और साथ साथ जो है वो मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे कुछ शूट भी करना था, क्योंकि मैं जब भी चैलेंज लेती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी तो मेरा कुछ ना कुछ सैलून में काम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मेरी वीडियो जो है डेली नहीं बन पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सैलून में ही कैमरा ऑन कर लिया करूं, अपना जो काम करती हूं वही आप लोगों ने जो डेली काम करते हैं वही दिखाना होता है, तो मैं डेली तकरीबन यही काम करती हूं, तो सोचा आप लोगों को साथ दिखा दूं। तो यहां पे मेरा आईज़ मेकअप हो रहा था, तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप घर बैठे भी अगर आपको परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की, बाहर जाके काम करने की, तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटिशन का काम कर सकते हैं आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, अगर आप व्लॉग बनाना आपको शौक़ है तो आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मुझे सैलून से जो है रिटायरमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो मैं घर में ही काफ़ी थक जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझसे जो है सैलून पे अच्छी तरीके से टाइम नहीं दिया जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग शुरू कर दी जाए। अभी तो मुझे अच्छे व्लॉग बनाने नहीं आते, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों मैं भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाया करूँगी, मुझे आ जाएगा व्लॉग बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो काम डेली करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं इस तरीके से अपने सैलून में बिज़ी होती हूँ, तो मेरा साथ साथ व्लॉग शूट भी हो जाएगा, मेरा कोई दिन मिस भी नहीं जाएगा। तो
तो बस मैं चाहती हूँ कि अब मैं सैलून से रिटायरमेंट ले लूँ और मेरे जब चैनल चल जाए तो मैं सैलून को जो है वो क्लोज़ कर दूँ, फिर बस एक ही काम किया करूँ, बच्चों अपनों के साथ व्लॉग बनाया करूँ प्यारे प्यारे से और अपनी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर किया करूँ। तो इसमें आपने मुझे सपोर्ट करना है बहुत सारा, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़ और लाइक ज़रूर कर दिया करें, इस टाइम मुझे आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो मेरा ब्राइडल का मेकअप है मेहंदी की ब्राइड का वो कंप्लीट होता जाता है। आईज़ मेकअप भी मैंने कर लिया, बेस वगैरह भी कर ली, अब मैं इसकी कंटूरिंग कर रही हूँ और फिर मैं सारे ब्लशन जो हैं मिक्स करके एक पीछी सा ब्लशन बना के इनको लगा रही हूँ। इनका फेस जो है बहुत छोटा है इसलिए फेस की कंटूरिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए मैंने फ़ेस की कंटूरिंग नहीं की। आजकल मौसम जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तबीयत को जी, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, बड़े भी, इवन के मेरा भी गला ख़राब हो चुका है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, इसलिए वॉइस ओवर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं ब्लशन के बाद हाइलाइटर लगा रही हूँ और मेकअप जो है इसके बाद लिपस्टिक लगाने के बाद फिर हेयर स्टाइल बनाऊँगी मैं इनका। तो जनाब मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने हस्बैंड के ऊपर बोझ बने। अपने आजकल के दौर में तो हर औरत को अपने हस्बैंड का जो है साथ देना चाहिए और घर के जितने अफराद हैं उनको कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो मुझे शुरू से बहुत शौक़ था कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड लूँ, मैं जो भी शादी के बाद भी कोई ख़र्चा करूँ तो अपनी पॉकेट से ही करूँ, ये मेरी ख्वाहिश थी और इसलिए मैंने शादी के बाद जो है सैलून ओपन किया था। और अब जो है जाहिर सी बात है जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं उसी तरह कस्टमर भी आना कम हो गए हैं महंगाई की वजह से। तो जो और इंसान को चाहिए कि उसको जो भी काम आता है कर लेना चाहिए, तो मैं इसी वजह से मैंने भी व्लॉगिंग शुरू की है कि शायद कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर जाए। चैनल मेरा इसलिए ग्रो ज़्यादा नहीं करता कि मेरी अपनी ही नाकामी है, मैं कभी फ्री टाइम में काम कर लेती हूँ व्लॉगिंग कर लेती हूँ और कभी जो है मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा मेरे जो है चैनल ग्रो नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पर फोकस करूँगी ताकि चैनल जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए। तो यहाँ पे जो है वो लैशेस लगाने के बाद मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ और साथ साथ इनकी हेयर की क्रिम्पिंग कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में लाइट का भी इशू हो जाता है। तो क्रिम्पिंग करने के बाद हम इनकी ब्रेड बनाएंगे बालों की ताकि इनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा बड़ा बने, ताकि इनका फेस भी थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लगे। मैंने जितनी भी बड़ी ब्लॉगर देखी हैं स्टार्टिंग से, उनके जब मैंने चैनल से वीडियो उठा के देखी हैं तो उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तकरीबन एक साल तो यूट्यूब पे कहीं नहीं जाता, आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ती है, डेली काम करना पड़ता है और बाकायदगी से इसको टाइम देना पड़ता है, जो कि इतना मसरूफ़ होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह काम करते रहो तो सिला भी ज़रूर मिलता है, अच्छे कुछ लोग अच्छे भी आएंगे जो वीडियो को पसंद करेंगे, जो लाइक भी करेंगे इंशाल्लाह से, कुछ ऐसे लोगों के सामने भी वीडियो आएगी जब चैनल ज़्यादा ग्रो करेगा। तो मैं बोल रही थी जी कि हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जितनी भी फेमस व्लॉगर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, बहुत टाइम दिया है यूट्यूब को। यूट्यूब जो है आपको सपोर्ट करता है, आपको तरक्की का रास्ते दिखाता है, आपको नए नए तरीके बताता है, ये इंसान पर खुद डिपेंड करता है कि वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी ब्राइडल जो है हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है, फाइनल लुक ये रही ब्राइडल की। पता नहीं क्यों जी मेरे कैमरा में वो चीज़ नहीं आती जो रियल में लग रही होती है, शायद तो मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन ब्राइडल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, इनको मेकअप बहुत पसंद आया और ये काफ़ी दूर से आई थी मेरे पास मेकअप करवाने के लिए और काफ़ी सेटिस्फाई थी ये मेरे काम से। उम्मीद है जी आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आपने बस एक लाइक ही करना है और कुछ नहीं करना, अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूँगी ताकि मेरी व्लॉगिंग भी बेहतर हो जाए और आप लोगों को मेरा काम भी पसंद आना शुरू हो जाए।
तो मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं जो मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट रीड करके। मुझे लगता है जी, जब कभी उम्मीद छोड़ देती हूँ तो आपके कमेंट आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि नहीं, कुछ लोग पसंद भी करते हैं आपको, आपका वेट करते हैं, आपका काम देखना चाहते हैं। तो इस वजह से फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ उन लोगों की वजह से जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं रेगुलर डालते। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रेगुलर वीडियो आया करेंगी। और यहाँ पे जो था, मैंने पार्टी मेकअप किया, इन्होंने ड्रेस भी पहन लिया था और लाइट सा हेयर स्टाइल बनाया था इनका, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी और ये भी खुश थी अपने मेकअप से। तो यहाँ पे जो है, काफ़ी टाइम हो चुका था और ब्राइडल के घर से कोई लेने नहीं आया था, क्योंकि इनका घर जो है वो काफ़ी दूर था, काफ़ी टाइम लगता था। तो 9:30 बज चुके थे, शादी हाल का टाइम जो है वो गुजर रहा था और ब्राइडल यहाँ बैठी वेट कर रही थी। मैंने तो अपने पूरे टाइम पे ब्राइडल को रेडी कर दिया था, पर इनके घर से कोई आया ही नहीं इनको लेने के लिए। तो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।